बायोलॉग ड्यून प्रोफेसी का पहला एपिसोड 18 नवंबर यानी मंडे मॉर्निंग 6:30 बजे आ जाएगा। और यस, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसका रिव्यू जितना जल्दी हो सकेगा मैं अपलोड कर दिया करूंगा एंड ब्रेकडाउन थ्योरी पे तो बात करा ही करेंगे। लेकिन उससे पहले ड्यून यूनिवर्स दोबारा से रिकॉल कर लिया जाए क्या? और जिसने ड्यून मूवी नहीं देखी है उसके लिए तो ब्लास्टर वीडियो होने वाला है ये। और मैं आपको बता दूं, ड्यून प्रोफेसी प्रीक्वल होने वाली है ड्यून मूवी की, जो कि 10,000 साल पहले की कहानी को दिखाएगा। तो चलो फटाफट रिकैप कर लेते हैं ताकि ड्यून प्रोफेसी की कहानी इजिली हिट करके चले जाए हमको। पहले मैं इसका बेसिक बता देता हूँ। देयर इज टू फैमिली इन दिस यूनिवर्स, एट्रेडिस एंड हार्कोनन, और यही दो हाउस राज करते हैं इस ड्यून यूनिवर्स में, जहाँ एक इनका भी एम्परर होता है जो इन पे रूल करता है और इनको कंट्रोल करता है, यानी इन दोनों हाउस को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये सारी जंग अराकिस प्लेनेट के डेजर्ट से स्पाइस सैंड यानी खनिज ढूंढने के ऊपर है, जो अराकिस की सबसे बेसकीमती चीज है और बहुत महंगी बिकती है। और इसी अमीर को पाने के लिए ये पॉलिटिक्स चलती रहती है, ये वॉर, ये जंग इन दोनों परिवार के बीच में चलती रहती है, जहां हार्कोनन ज्यादा हरामी है जिससे जीवन काल भी चलता रहता है यानी जीवन यापन। एंड इसमें हार्कोनन काफ़ी हरामी एंड लालची हाउस है, जिसे सिर्फ स्पाइस से मतलब है, बल्कि हाउस अटेडिस एक रूलर की तरह जनता का भी ख्याल रखना चाहता है। एंड इन सब को रोकने के लिए अराकिस के डेजर्ट में फेरमैन नाम की जनजाति रहती है, जो यहाँ के लोकल पीपल हैं, जो इन लालची और तबाही वाले लोगों से नफरत करते हैं, खासकर हार्कोनन से, क्योंकि वो जल्लाद होते हैं। इसी के साथ साथ इस डेजर्ट के स्पाइस की रक्षा नेचर भी करती है अपने वॉर्म से, ऐसे कीड़े जो विशालकाय हैं और जिनकी लंबाई 400 मीटर तक होती है और एक बार में पूरे घर को निगल सकते हैं, ये इतनी ताकत रखते हैं। डेजर्ट में हरकत होते ही ये एक्टिव हो जाते हैं और ख़त्म कर देते हैं उनको। सो दीज आर बेसिक्स, अब फटाफट रिकअप कर लेते हैं। तो बाबा, मूवी स्टार्ट होती है अराकिस में फेरमैंस के इंट्रोडक्शन से, जहां वो हार्कोनन के आतंक से बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि वो उनके घर यानी डेजर्ट में आते हैं और स्पाइस छीन के भी ले जाते हैं और कत्लेआम भी मचाते हैं यानी फेरमैंस को भी मारते हैं। फेरमैंस की इन्होंने ईंट से ईंट बजा रखी है, दरअसल ऐसा खुले रूप से करने का ऑर्डर भी एम्परर ने हार्कोनन को दे रखा है अराकिस प्लेनेट में, और तभी हार्कोनन को अराकिस छोड़ने के आदेश दिया जाता है और वो चले भी जाते हैं, क्योंकि देखा जाए तो हार्कोनन एंड एट्रेडिस आउटसाइडर के रूप में काउंट करे जाते हैं इस पूरे ड्यून यूनिवर्स में। देन मूवी का एंगल जाता है एट्रेडिस की तरफ, जहां हमें इंट्रोड्यूस होता है अपने मूवी का मेन हीरो पॉल एट्रेडिस, जो कहा जाएगा आगे जाकर मसीहा, जो इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा, हार्कोनन और एट्रेडिस के बीच की दुश्मनी को भी खत्म करेगा, क्योंकि इसे हार्कोनन को साफ करना है, क्योंकि वो निगेटिविटी एंड ईविल रास्ता चुनते हैं, क्योंकि हार्कोनन काफी पावरफुल भी देखने को मिलेंगे आपको इसमें। पॉल अपनी मॉम जेसिका के साथ दिखता है अपने फर्स्ट सीन में, तभी वो अपने फादर के साथ भी दिखता है यानी ड्यूक लेटो के साथ दिखता है, जो सेकंड सीन में है। और ड्यूक वर्ड आप गेम ऑफ थ्रोन्स के लॉर्ड से रेफर कर लेना, जिन्हें सम्राट तो नहीं कह सकते लेकिन कुछ लिमिट पावर उन्हें लॉर्ड की तरह ही होती है यहाँ के ड्यूक्स की। तभी हाउस एट्रेडिस के पास एम्परर का आदेश आता है अराकिस में रूल करने के लिए, फेरमैंस एंड स्पाइस की देखरेख करने के लिए, और यहीं से कहानी एट्रेडिस की डगमगाने लगती है, क्योंकि ये एम्परर की चाल होती है हाउस एट्रेडिस को अपने बेड़े से बाहर लाकर कमजोर करके इराडिकेट करने की, ऐसा हार्कोनन भी कहते हैं, क्योंकि एट्रेडिस काफी स्किलफुल वॉरियर्स हैं जिन्हें लॉयल से हराना भाई बहुत मुश्किल है। इसी बीच जेसिका जो एक जादूगरनी भी होती है और अपने बेटे को वॉइस कंट्रोल सिखाती है, जिसका इस्तेमाल लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है, कोई जादुई वॉइस से कंट्रोल करना टाइप वगैरह, दरअसल ये सब एक प्रोफेसी के कारण हुआ कि पॉल जैसा एक मसीहा आएगा और वो सब कुछ फिर से पहले जैसा नॉर्मल कर देगा। पहले जैसे का मतलब यहां से ये है जो हम ड्यून प्रोफेसी मूवी में वेब सीरीज में देखने वाले हैं, कि ड्यून यूनिवर्स की कहानी शुरू से ऐसी थी, ये हमेशा से ऐसी नहीं बनाई गई थी, ये बाद में लालच, जंग और इन दोनों हाउस के बीच में आपसी फूट और ये सारी जंग के कारण अब ड्यून की हालत ऐसी हो चुकी है 10,000 साल पहले। लेकिन इससे पहले ये काफ़ी सुंदर था और शांति भी थी, बहुत कुछ था जो हम अपने वेब सीरीज में देखने वाले हैं ड्यून प्रोफेसी में। तभी मूवी में इंट्रोड्यूस होता है जेसन मोमोवा उर्फ डंकन, जो हाउस एट्रेडिस का काफ़ी मजा हुआ वॉरियर है और पॉल डंकन से काफ़ी क्लोज भी है, क्योंकि डंकन पॉल का पर्सनल ट्रेनर भी है और डंकन फील्ड एजेंट टाइप वॉरियर भी है, जो बाहर की खबर एट्रेडिस के लिए लाता है यानी फील्ड में जाकर, जो काफ़ी ज़्यादा मशक्कत वाला काम है और खूंखार है, खतरों से भरा हुआ। बट यहाँ आदेश के मुताबिक
पूरे एट्रिडिस आर्मी को अराकिस में शिफ्ट करना पड़ता है अपना होम छोड़ के, और सभी को सिटी में ले जाया जाता है जहां सेफली पॉल को उसका रूम दे दिया जाता है और ड्यूक एंड लेडी जेसिका को भी उसका रूम दे दिया जाता है। और इस सिटी की सिक्योरिटी भी काफ़ी टाइट एंड अभेद है, और अराकिस आते ही लोग पॉल को देख कर लिसान अल गैब कहकर एड्रेस करते हैं, जिसका मतलब होता है एक चुना हुआ मसीहा जो सब कुछ ठीक कर देगा आगे जाकर। इसी के साथ साथ आपको बता दूं, अपना पॉल एक अच्छा स्किलफुल वॉरियर तो है ही, इसी के साथ ये अपनी मॉम से थोड़ा बहुत जादू भी जानता है क्योंकि उसकी मॉम जादूगरनी परिवार से है, बट नॉट मच, जितना जादू भी नहीं जाता है। इसी बीच अपने पॉल भैया को फ्यूचर विजन भी आते रहते हैं और कुछ ड्रीम अपनी हीरोइन जेंडया उर्फ चानी को लेकर आते रहते हैं, यानी अराकिस में फरमेंस के बीच में रहकर ये लास्ट जंग लड़ रहा है एक फरमैन बनकर ही, ऐसे ड्रीम उसको आते हैं जो उस जंग के बाद हारकुनन का सफाया कर दिया जाएगा और सब ठीक हो जाएगा, शांति आ जाएगी और ये लालच वगैरह वगैरह जो स्पाइस डेजर्ट को खंगोल कर निकाले जा रहे हैं, डेजर्ट को बर्बाद किया जा रहा है, ये सब रुक जाएगा। अराकिस आते ही सिटी के अंदर पहला हमला पॉल पर होता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि एट्रिडिस को अराकिस लाना चाल थी ताकि इनका सफाया करा जाए, और ये डील एम्परर ने हारकुनन के साथ करी थी, जिसमें धोखा देता है एट्रिडिस को डॉक्टर वेलिंगटन, जो एक रात सिटी की सिक्योरिटी वॉल को वीक कर देता है और हारकुनन शिप्स को अंदर आने देता है। और ऐसा करना इसकी मजबूरी भी थी क्योंकि हारकुनन ने इसकी बीवी को कैद भी कर लिया था, और यहाँ इसकी मदद से हारकुनन ने सिटी में घुसकर सारे एट्रिडिस ठिकानों को तबाह कर दिया, पूरी आर्मी को बंदी बना लिया। अपना ड्यूक यानी पॉल का बाप इस मैसेकर में भी मारा जाता है, और इसी के साथ पूरी सिटी को हारकुनन द्वारा तबाह कर दिया जाता है। बट अपना पॉल और उसकी मॉम जेसिका भागने में सफल हुए। लेकिन इन अ वेरी सीरियस नोट मैं आपको बताऊं भाई, जिसे एक्शन मूवी पसंद है ना, तुम्हें इस एक्शन में मजा आ जाएगा भाई। बोल कैसे एडवांस वेपन को इतनी बाखूबी इस्तेमाल किया है, हालांकि सब VFX एंड CGI इफेक्ट है, पर बाबा क्या एक्शन कोरियोग्राफी हुई है, क्या बैटल वॉर कोरियोग्राफी हुई है, ब्रेथ टेकिंग मोमेंट रहेगा आप लोगों का। क्योंकि ऐसा दिखाना कि फ्यूचर में जाकर कहानी ऐसी होगी जो अपने प्रेजेंट से बिल्कुल मैच नहीं होती है, वो मेंटलिटी को शो करना, वो एक राइटिंग करना, वो स्क्रीन प्ले लिखना, भाई ऑल आर अमेजिंग। नाउ कम टू द एक्सप्लेनेशन अगेन, डंकन भी जैसे तैसे वहाँ से बच निकलता है उस मैसेकर से, और अगेन पॉल एंड जेसिका को ढूंढ लेता है, जहाँ एक फेयरमैन लेडी इनकी हेल्प भी करती है इनको छुपाने में, जो कि इसे पहले से ही पता था कि एम्परर ने एट्रिडिस को मिटाने के लिए साजिश रची। लेकिन एम्परर के खिलाफ जाके पॉल और उसकी मॉम की हेल्प करती है, जहाँ एक पुराने रिसर्च बेस पर ये लोग ठहरे होते हैं कुछ टाइम के लिए, और यहाँ भी हारकुनन आर्मी आ जाती है जो अगेन गिने चुने फेयरमैन को मारकर इस बेस को कॉन्कोर कर लेते हैं। एंड यहाँ अपना डंकन जो लड़ेगा सभी से, भाई सामने हाई स्किल्ड मर्सिनरीज वॉरियर्स की आर्मी होती है, और लगभग 15-20 लोगों को मारकर अपना डंकन भी अल्लाह को प्यारा हो जाता है। पॉल एंड जेसिका फिर भागने में सफल होते हैं, और उनसे इस बार जहां सारे फेयरमैन रुके हुए हैं वहां जाने को कहा जाएगा साउथ में पिरामिड ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें डेजर्ट पार करके जाना है, जहां डेजर्ट में कौन है, वी नो दैट द वॉर्म जो बार बार अटैक करता है थोड़ी सी आहट डेजर्ट में होने के बाद भी। और अपने रास्ते में पॉल एंड जेसिका मिलते हैं स्टिलगार से, जो फेयरमैन का वन ऑफ पावरफुल लीडर है, और पॉल के मसीहा वाली बात से इनकी मदद करने का निर्णय लेता है, जहां पॉल को फेयरमैन में से एक बनने के लिए परीक्षा देनी पड़ी और जेमिस नाम के रफ एंड टफ फेयरमैन से पॉल को लड़ना पड़ा, जो पॉल और जेसिका को मारना चाहता था और इनका पानी चुराना चाहता था। और ये लास्ट फाइट इस मूवी की सिंगल हैंड कॉम्बैट फाइट होती है, जो बहुत ही ज़्यादा शानदार थी। अपना पॉल मात्र 16-17 साल का ये कौला लौंडा एक मजे हुए फील्ड वॉरियर को पेल देता है, और वो भी बहुत ईजिली, भाई मजा आ जाएगा। एंड बूम, यहाँ वो खुद को प्रूव करता है कि वाई ही चोजन एज लिसान अल गैब, मतलब मसीहा, और वो फेयरमैन्स के ठिकाने पर पहुंचते हुए दिखते हैं हमें लास्ट में, एंड मूवी का दी एंड हो जाता है। तो बाबा दैट्स ऑल क्विक एंड ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ड्यून पार्ट 1 मूवी, जहां मोस्ट ऑफ की मोमेंट को ही मैंने कवर कर रखा है, ड्रैगिंग वीडियो नहीं बनाई मैंने जो जबरदस्ती की लेंथ बढ़ाएगा, मेन पर्पस ऑफ दिस मूवी वही बताया है जो आपको ड्यून प्रोफेसी की कहानी को समझने में भी हेल्प करेगी। बाकी और अभी अच्छे से समझना है तो प्लीज मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को देखो, जितना मैंने बताया भाई उससे कहीं कहीं ज्यादा आपको मजा आएगा। जो मेरे टेलीग्राम चैनल पर यानी हिंदी डब में भी अवेलेबल है, मौजूद है, आपको मिल जाएगी, ज्वाइन कर लो, देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ऐसे अमेजिंग विजुअल्स आपको इस मूवी में देखने को मिलेंगे, मतलब पोस्ट एपोकलिप्टिक या डिस्टोपियन एरा की मूवी, ऐसी मूवी आपने नहीं देखी होगी भाई, गारंटी कह रहा हूँ।
फुल पैसा वसूल मूवी है, स्टोरी ड्रिवन विद अमेजिंग एक्शन एंड साईफाई थ्रिलर की लिस्ट में बेस्ट मूवी है ये मेरी। तो जाओ एंजॉय करो। बाकी ये मेरा ऑनेस्ट रिकैप था। मिलते हैं अब ड्यून पार्ट 2 के फुल रिकैप पर, और उसके बाद ड्यून प्रोफेसी स्टार्ट हो जाएगा, तो उस पे बाबा टाइम टू टाइम एक्सप्लेनेशन वीडियो एंड ब्रेकडाउन थ्योरी वीडियो आती ही रहेंगी। यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आई है, और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बता के जाना। आपने ड्यून पार्ट 1 देख लिया है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है नीचे जरूर बता के जाना। ड्यून प्रोफेसी के लिए कौन कितना वेट कर रहा है बाबा नीचे जरूर बता के जाना, क्या एक्साइटमेंट है आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।